हाय गाइस, आज अपन बात करेंगे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 नंबर 25 ऑफ 2009। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिलासपुर की तरफ से एक अपडेट आया है रिगार्डिंग एडमिशन, जो कि जस्ट देख लेते हैं, जो है 11 अगस्त को आया है। आज 12 अगस्त हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है, यानी 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर ये एक जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में चलती है। आपको बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी NIT GFTI के बाद की जस्ट टॉप इंस्टीट्यूट होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल के अंडर में चलती है। तो यू कैन गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। ये स्टेट गवर्नमेंट से तो बहुत ही अच्छे कॉलेजेस होते हैं, तो आप इनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो है भी प्रोस्पेक्टस है वो MTech तक का दिया गया है, MTech एडमिशन। एंड जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे MTech एडमिशन 2021-22। एंड ये नोटिस आया, ये भी 11 को आया, एप्लीकेशन फॉर्म MTech के लिए 11 को आया, शेड्यूल फॉर MTech के लिए भी 11 को आया, एडमिशन नोटिफिकेशन हिंदी के अंदर जारी किया गया है, ये भी 11 तारीख को आया है। तो देख लेते हैं इसका क्या सिस्टम, क्या नोटिस आया है। तो चलिए आज का वीडियो तो देख लेते हैं इनके कुछ कोर्सेज। जस्ट लाइक स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी MTech एडमिशन, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर MTech प्रोग्राम इन फॉलोइंग डिपार्टमेंट, जस्ट लाइक केमिकल इंजीनियरिंग MTech, इसके अंदर जो है 23 सीट्स हैं। तो मशीन डिजाइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 23 सीट्स है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सिविल जो है इसके अंदर 23 है, जो गेट KM गेट या टोबोस्टिक जो होती है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 23 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी 23 है। एलिजिबल कैंडिडेट कैन फॉर एडमिशन MTech प्रोग्राम एज पर डिटेल्स गिवन यूनिवर्सिटी वेबसाइट GGUAC.in। द फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग द रिसेंट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट लिंक अवेलेबल इन वेबसाइट टूवर्ड्स द एप्लीकेशन फीस आर एस 500 रुपये फॉर जनरल OBC कैटेगरी एंड 300 रुपये है जो SC ST कैटेगरी होते हैं। इट इज़ बी सबमिटेड थ्रू ईमेल ऑफ द गेट कैटेगरी। एडमिशन अंडर नॉन गेट कैटेगरी शेल कंडक्ट ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई व्हेन द वैकेंसी अवेलेबल देन एडमिशन अंडर गेट कैटेगरी। कैंडिडेट शुड विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर द डिटेल्स ऑन द टाइम। ओके, तो इसके अंदर और भी बहुत सारे नोट्स आए हैं, तो हम सारे नोटिस पढ़ेंगे एक एक करके। तो इसके बाद जो नोटिस आया है वो ये है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय शैक्षणिक क्षेत्र 2021 निम्नलिखित के लिए आवेदन प्रदान करता है, जो MCOM होता है, BCOM और थर्ड सेमेस्टर यानी लेटरल एंट्री, MTech, MBA, प्रवेश परीक्षा संख्या, आरक्षण नीति, शुल्क, छात्रवृत्ति, अंतिम तिथियाँ, इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं आप। ये वेबसाइट दिया गया है, आवेदन की प्रारंभ कितने की तिथि जो कल थी 11 अगस्त, एंड जो आवेदन जमा करने की तिथि है वो 8/9/2021 है, यानी सितंबर तक है। ओके, तो सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ओके, तो सहायता के लिए आप इसी कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर MCOM, MTech, MBA। ओके, और अदर नोट्स देखते हैं हम। पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज
ओके गाइस, आपको बताना चाहूँगा अगर आपको एरोस्पेस एरोनॉटिकल जो भी ट्रेंडिंग पे अभी कोर्स चल रहे हैं जस्ट लाइक कंप्यूटर साइंस वगैरह सब कुछ पीछे छूट चुका है, ठीक है, जब से स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेस के अंदर जाने की बातें चल रही है तब से एरोस्पेस एरोनॉटिकल बूम पे चल रहा है। तो इंडिया के अंदर टॉप इंस्टीट्यूट जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, यू कैन गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज एंड विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, दिस इज गवर्नमेंट अप्रूव, ओपन बाई AICTE UGC अप्रूवल एंड एफिलेटेड विद MRSPTU बठिंडा एंड अवेलेबल इन मिलिट्री फोर्स एंड एयरफोर्स इन पटियाला पंजाब। तो यू कैन गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।